बिकरू कांड को अंजाम देने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के बचे साथियों पर अब पुलिस का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। फरार बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने चित्रकूट के कामतानाथ मंदिर में साधु बनकर रह रहे विकास दुबे के साथी और चचेरे भाई बाल गोविंद दुबे उर्फ लालू को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानपुर में आज पुलिस कर्मियों के हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा बाल गोविंद दुबे बचने के लिए भगवा कपड़े पहनकर साधु बन गया था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई थी। शनिवार को उमाकांत शुक्ला ने चौबेपुर पुलिस स्टेशन पर ड्रामेटिक ढंग से सरेंडर किया था और कहा जा रहा है कि उमाकांत शुक्ला उर्फ गुड्डन की मुंबई से ही बाल गोविंद की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पकड़कर उसे कानपुर के चौबेपुर थाने लाई और CHC में उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। न्यूज डेस्क।